जिला विरोचित वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज झाझा नगर परिषद के वार्ड संख्या 21 की मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। कहने को नगर परिषद है, लेकिन ये नालियाँ बज बजाती कहीं न कहीं किसी महामारी को आमंत्रित कर रही है, संकेत दे रही। कई यहाँ के जो आम जनता है उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों से नाली का यही हाल है। अब सवाल ये उठता है, भले ही नगर पंचायत से नगर परिषद में तब्दील हो गया हो झाझा, लेकिन नागरिकों को सुविधा नहीं के बराबर है। जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, कई लोग यहाँ हैं, कई लोगों ने कहा कि अगर यहाँ जब बरसात होती है ना तो सांप पानी में तैरता है, गंदगियाँ ऊपर ऊपर तैरती, जो हर समय महामारी का खतरा एक का संकेत देता है। यहाँ के स्थानीय जो वार्ड पार्षद हैं, उनसे मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन जो उनके प्रतिनिधि हैं विशाल राज, वो झाझा से शायद बाहर हैं, उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। लेकिन जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, जो रिपोर्ट यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ दर्शकों, ये टोटल जो वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें क्या है ना कि आगे जाके रास्ता ब्लॉक है और आगे किसी की निजी ज़मीन है। अगर निजी ज़मीन है भी तो आम जनता की सुविधा के लिए अगले को थोड़ी सी ज़मीन छोड़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऐसे भी झाझा की जनता जानते हैं, मैं तो बोलूँगा तो लोगों को बहुत कस के लगेगा, भेड़ बकरियों की तरह चलती, कहीं भी घर बनाना है कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा लोग। अब सवाल उठता ही है कि गली में घर है, गली में नालियां हैं, नाली बज बज आती हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है और आगे जाके ब्लॉक है, आगे किसी की नीचे ज़मीन और खेत में पानी गिरने नहीं दे रहा। नगर परिषद के अधिकारी से मैं बात करके बताने का प्रयास करूंगा कि जब कोई मकान बनता है तो फिर आप लोग कहाँ सोए रहते, क्यों नहीं जाँच करते कि उस घर का पानी कैसे निकलेगा, उस घर का बाथरूम में जो महिलाएँ नहाएंगी या फिर जो आदमी जाएगा सेफ्टी टैंक का पानी कहाँ जाएगा। कोई व्यवस्था नहीं, जिसको जहाँ मर्जी है घर खड़ा कर लिया, मकान खड़ा कर लिया, और आप जब समस्याएं आती हैं तो लोग तराही माम करते हैं। हालांकि तमाम जनप्रतिनिधि शैलेश कुमार फुटल का पार्थ समेत तमाम लोग यहाँ जुड़े और तमाम लोगों ने कहा अगर नगर परिषद के अधिकारी नहीं जागेंगे तो हम लोग नगर परिषद में जाकर ताला मार देंगे। ताला मारना समाधान नहीं है, समाधान ये अगर अगले किसी की निजी ज़मीन है तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से कुछ न कुछ हाथ जमीन छोड़ देना चाहिए ताकि आम लोगों को जो पानी की निकासी वो हो पाए। देखिएगा हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। पूर्णिमा देवी, ये नालियाँ जो बद स्थिति में है कब से है, यहीं रहती हैं आप? कौन सा वार्ड है? यहीं रहते हैं, यहाँ 21 वार्ड है। अच्छा, वार्ड नंबर 21 है। हाँ। नाली कब से जाम है ये? यहाँ जब से हम आए ना तब से, 8-10 साल से हम देख रहे हैं कि 8-10 साल से नली का यही हाल है। अच्छा। और रास्ता उस्ता कुछ नहीं है, बस जा भी नहीं रहा, कोई रास्ता दे रहा है तो वहाँ बोलता है कि हम रास्ता इतना बड़ा चाहिए, रास्ता जितना नली देगा उतना बड़ा नली चाहिए ना, बोलता है कि हमको आने जाने का रास्ता तो वही नहीं ना कोई देगा ना। कौन कहता आने जाने का रास्ता? यहाँ के सभी यहाँ जो यहाँ के बड़े लोग हैं वही लोग कहते हैं। अच्छा अच्छा, बरसात में स्थिति और खराब हो जाती होगी, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम रुद्रमणि देवी है। अच्छा अच्छा, आज 10 साल से ही नाली का यहाँ पर स्थिति यही है, कोई भी प्रशासन को किया जाए, बोला जाए, कहा जाए, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग डूब कर पानी में आना जाना होता है, कब घर गिर जाएगा, कब क्या हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है, और न सुनने का नाम लेता है। शिकायत आप लोग नहीं किया नगर पंचायत में? हाँ गया है, कई बार गया है, शिकायत कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, शिकायत कई बार गया है। उस समय नाली कब से जाम है? जब से हम आए सर, इसे ही देखा। पानी में तो बरसात में और ज्यादा दिक्कत होती होगी। आप बताइए मैडम, क्या नाम है? यही हाल है, 10 साल से यही हाल है। हाँ, 10-12 साल से यही हाल है, पानी में रहना, पानी जाना निकलना, गंदा पानी हमारे घर में भी घुस रहा है। नाला पूनम जी, नाली का हाल कब से ऐसा है? पता नहीं। आप यहीं रहते हैं? कौन सा वार्ड है ये? क्या दिक्कत है यहाँ? बस नाला की दिक्कत है, सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम है हम लोग का, करीब 10 साल से ज्यादा हो रहा है। हम लोग नगर पंचायत में खबर देते देते हार गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं ले रहा। नंबर वार्ड के रहने वाले, ये स्थिति कम से कम 10-15 साल से रही है, प्रशासन हो, पदाधिकारी हो, सभी को ये खबर भेजा गया, यहाँ का कि यहाँ का वार्ड कमिश्नर को भी दिखाया गया, वार्ड कमिश्नर को, कोई सुनवाई नहीं। ऐसा है कि यहाँ कब यहाँ पर कोलरा का बीमारी फैल जाएगा सर, इसका कोई स्थिति नहीं है। विनोद जी, क्या कुछ हो रहा है यहाँ? ये देखिए नगर पंचायत का हाल और जनता है यहाँ पे बेहाल। आपको बता दें कि लगभग 10-15 साल से स्थिति इसी तरह बना हुआ है, और तमाम जनता के द्वारा यहाँ से वार्ड
नंबर 21 से जो है आवेदन दिया गया, फिर भी कोई भी सुनवाई नहीं किया गया। आपको बता दें यदि हम लोग आवेदन पुनः फिर कल देंगे जाकर, उसके बाद सुनवाई नहीं किया गया तो नगर परिषद में जाके ताला मार देंगे जाके, अगर सुनवाई नहीं किया गया तो हम लोग मजबूर हो गए अब आंदोलन करने पर, अब चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। सलीम जी, जिस तरह जन समस्याएं लेकर आप यहाँ हैं वार्ड नंबर 21 में, क्या कुछ होगा? मुझे वार्ड नंबर 21 के जो नागरिक हैं, राजेश जी, नंदकिशोर जी, अग्रहरी जी, सारे लोग कई दिनों से कह रहे थे कि हमारे जो दरवाजे पर नाला बह रहा है, तो हम उसको सामान्य रूप से ले रहे थे, लेकिन जब यहाँ आया तो लगा कि अति दयनीय स्थिति है। सबसे पहले तो अभी बताया कि हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही खराब है। ये पता नहीं कैसे जो प्रशासन है, नगर परिषद के अधिकारी या जो भी संबंधित लोग हैं, वो इसको इतनी गंभीरता से क्यों ले रही है। ये एक बीमारी फैलेगा और ये बीमारी पूरे नगर परिषद के अलावा सारे को प्रभावित कर देगा, और ये तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, यहाँ इच्छा शक्ति की जरूरत है। इसको हम अनुरोध करते हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी को हम अभी टेलीफोन लगाया, वो उपलब्ध नहीं है, हम उनसे बात करेंगे। विनोद जी ने कहा और हमारे गणेश यादव जी मुखिया जी, ये भी इसी नगर परिषद के जागरूक आदमी हैं, यहाँ से लोग जाएंगे, उनसे हम बात करेंगे और हम चाहेंगे कि उनका स्तर से निदान हो जाए, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम मंत्रालय तक जाएंगे, जो इसके मंत्री हैं उनसे हमारी बात होती है। हम चाहते हैं समय निराकरण जल्दी हो, वो इसका निदान कर दें। ये कोई, ये तो बिल्कुल एक मूलभूत जो अधिकार है उसके तहत आता है, कोई विशेष चीज तो नहीं मिल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप मीडिया वालों से अनुरोध करता हूँ कि इसको एक ऊंचाई पर ले जाएं, इसको हाईलाइट करें, भिन्न भिन्न चैनल में इसको डालें। दास, मैं 21 नंबर वार्ड में रहता हूँ। ये आज गर्मी का दिन है बोल के थोड़ा कम नजर आ रहा है, बरसात में ठंडा में इतना पानी ऊपर हो जाता है कि महिलाओं को पूजा पाठ किया रास्ता में चलना मुश्किल हो जाता है। कई बार नगर पंचायत में, नगर पंचायत थे, अभी नगर परिषद में नहीं दिए, लेकिन नगर पंचायत में कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग बहुत परेशानी से जी रहे हैं, दैनिक स्थिति से गुजर रहे हैं सर। कब क्या बीमारी फैल जाएगा ये कहना मुश्किल है। मैं तो विशेष यही आपसे अनुरोध करता हूँ कि किसी तरह से हम लोग को समस्या का सोल्व किया जाए। नाला बनाना होगा, पंचायत के वार्ड संख्या 11 का हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज नगरों का ये हाल है तो फिर गांव देहात का क्या होगा। नगर परिषद वार्ड नंबर 21 में नाला बनाना होगा, संबंधित पदाधिकारी। ये देखिए वार्ड संख्या 21, कहने को नगर परिषद। यहाँ देखिए इसकी महिला बता रही कि इनके घर में भी कल पानी घुस गया था घर में। क्या ये तो पानी घर में घुस जाता है, कितना बच्चा लोग का खेलने में दिक्कत होता है, आगे में इस तरह का रहेगा तो कैसे होगा बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। मेरा काम राजेश जी से मिलने है।